can't even read. The first tricolor hosting in India. This event is one of the most tourist attracting event. CJ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लोग. So guys, अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं. So the time update is 3 p.m. अभी हम लोग जाएंगे सेलुलर जेल, और सेलुलर जेल जाने के बाद we'll be going to the flag point, and then उसके बाद में we'll be coming back to the cellular jail again to see the light and the sound show, and then back we'll come back to the hotel again. So enjoy. So we have just started from the hotel. We have got a friend here who will be guiding us, and भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतनु वैद्य है. अतनु जी, so like you know, he has been a very good person to us. Obviously he is. Okay, this is the cellular jail. We have reached, man. I feel like I'm inside a movie set. It looks so amazing. Wow. So guys, now let's get inside the cellular jail.
दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट सी। स्टार शेप में 7 ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस 7 ब्लॉक को टावर से जोड़ दिया। वो टावर क्या करेगा, हाँ 2 महीने में कमरा चेंज कर दे, यहाँ से वहाँ पता नहीं पड़ा कौन कहाँ में रहता है, नहीं बोल सकते किसका कमरा कहाँ पर है। जो बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी में लिखा है हम उस कमरे में थे, हम जाएंगे ऊपर, जैसे लास्ट कमरे ऊपर का वीर सावरकर जी का है। सावरकर बंधु 3 भाई हैं, बड़ा भाई गणेश सावरकर, छोटा विनायक और एक भाई है भाई नान जोशी गदन बाजार है। वो तीनों भाई जिनमें 11 साल थे, आपस में 3 साल मिल नहीं पाए, 3 साल के बाद मिले। यहाँ मेरे चेयर हैं, यहाँ मिले थे, एक खाना खाने जगह है पहले, अभी लाइट शो होता है। जो किचन है देख रहे हैं, किचन रेड बिल्डिंग, उसके बाद देखिए वाइट वाल फांसी घर है। आप ध्यान से देखेंगे किचन फांसी खाने की जगह एक साथ बनाया, जानबूझ के बनाया, मानसिक यातना है। जब आदमी खाना खाएगा तो फांसी दिखेगा, ओपन द बाद में कवर किया हमने। यार टीना देख, टीना लाल देख रहे हैं, ये फैक्ट्री अत्याचार फैक्ट्री है। इसमें क्या अत्याचार होगा, हाथ से तेल निकालना कोल्लू का बेलकतरा घानी है, रस्सी फांसी के ही बनेगी, कैदी अपने हाथ से बनाए। यहाँ पर जो आदमी काम काम करे कोड़े मारेंगे, कोड़े मारने की जगह है। सारे कमरे एक ही साइज़ के हैं, एक में एक आदमी रहेगा। हर कमरे में ताला आएगा, ताला म्यूजियम में रखा है, ताला अलीगढ़ का 7 किलो का ताला। जेल देख रहे हैं, बनना 10 साल लगा जेल बन जाओ, हाथ से कैदी ने बनाया। पहले सीमेंट नहीं थी, नो सीमेंट, ये ओल्ड टेक्निक है, चूना कोरल का, गुड़, उड़द दाल, मेथी, लाल मिर्च, इससे जेल को बनाया गया। हम ऊपर टावर तक जाएंगे, वहाँ से आपको ऊपर अंडमान का व्यू मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे, आपको दिखे रॉस आइलैंड, दिखे रॉस आइलैंड दिखेगा, ब्रिटिश की राजधानी। आखिरी में आपको नीला ब्लॉक दिखेगा, आपने नाम सुना कानपुर, पहले बोलते हैं कावानपुर, अभी कानपुर बोलते हैं। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में ब्रिटिश ने बहुत लोगों को मार दिया, काम किसने किया था, नील हैवलॉक ने किया था, ब्रिटिश कर्नल थे, मोदी नाम चेंज कर दिया, हैवलॉक का स्वराज, नील का शहीद, नाम चेंज हो गया अभी रिसेंटली जो आई। देख लीजिए फोटोग्राफी करके मैं बताऊंगा। पनिशमेंट ड्रेस रॉड के बीच में रखेंगे, देखिए 6 मिनट जो आदमी ब्रिटिश की बात को मान जाएगा रॉड को हटा देंगे, ये लास्ट है। बाद में छोड़ देंगे, क्या बोलेंगे ब्रिटिश, इंडिया मत जाओ, यहीं पर रहना, यहीं पे काम करना। ये देखिए चावल का बस्ता क्या लिखा रहता, पनिशमेंट ड्रेस। आपने इसको गर्मी में पहन लिया तो खुजली होती है, आपने सुना होगा जंगल में एक मिलती खुजली पत्ती, उसको बॉडी में लगा देंगे, हाथ को बांध देंगे, इसको पहना देंगे। खुजली में आदमी डांस करेगा, ब्रिटिश बहुत मजा लेंगे। छोटा बच्चा आया था, उम्र 16 साल के, नाम था रोनी गोपाल दास, वो आए थे आपको अलीपुरम केस में। दास साहब ने बोला जेरन डेड बेरी, हमको मार दो, हम ड्रेस को कभी भी नहीं पहनेंगे, ड्रेस को लेकर फाड़ दिया। सेकंड डे जब उनको ड्रेस दिया पहनने के लिए, जब ड्रेस को फाड़ने लगे, बहुत गुस्सा ब्रिटिश को आ गया, तो ब्रिटिश ने गुस्से में क्या किया, सुई होता है पत्थर फ्राई करने का, तो बॉडी के साथ में स्टिच हो गया। हनुमान का और एक जेल है वाइपर जेल, आपको आधा घंटा कोर्ट में जाना है, इससे पहले उसको बनाया था वाइपर में। ये देखिए वाइपर जेल का फांसी घर है, आपने सुना है अंडमान का हीरो है, हीरो का नाम है शेर अली खान। खान साहब अच्छे आदमी थे, 1872 में आए थे, छोड़ दिया अंग्रेज ने, वो अंग्रेज के लिए काम करते थे। उस समय उनका माँ का लेटर आ गया, लेटर उर्दू में था, लिखा था कि बेटा तुम कभी इंडिया में आता ना, आपको बड़े आदमी को मार के मर जाएंगे। बड़ा आदमी कौन आएगा, गलती से 1872 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उसमें कौन था, लॉर्ड म्यो, वायसराय पंडित घूमने आया। खान साहब को मौका मिल गया, पीछे एक पहाड़ माउंट हैरियट, खान साहब ने क्या किया, चाकू से लॉर्ड म्यो को मार दिया, बाद उनको फांसी हुई। आज इतिहास में क्या है, हम लोग खान साहब को जानते हैं, शेर अली खान को, किसको जानते हैं, मेयो को, क्यों, आज भी अजमेर मेयो कॉलेज है, मेयो हॉल बेंगलोर में है, पूना में अस्पताल है, कलकत्ता में रोड है, पर जिसने मारा उसको जानते नहीं। अपने हाइट देखिए, कैदी का हाइट अबाउट 6 फीट है। अंग्रेजों को पता हो गया इंडिया से लंबे जोड़ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अंदर क्या किया, इंजीनियर को बोला अंदर में आप गेट छोटा बनाओ, कई लोगों को चोट लेके बाहर, ब्रिटिश को वो करना पड़े। ये इंडियन है, दोनों इंडियन है,
जो आदमी अच्छा काम करेगा ब्रिटिश की बात मानेगा, स्टाफ बन जाएगा, तो उसको मानने के लिए बने, दोनों इंडियन स्टाफ बन गया। और ये आदमी डाकू है, तो अंडमान में गुजरात से, राजस्थान यूपी एमपी से यहाँ डाकू चोर भी आए। उस जमाने में डाकू आदमी अच्छा हम लोग के लिए, डाकू क्या करेगा, ब्रिटिश को लूटेगा, लूट को जो माल है वो देगा लड़ने के क्रांतिकारी को। इनका अच्छा चलते इनको मारने के लिए बोलेंगे, हमें तो पीछे मारते थे, आदमी सोना सके बैठना था। 30 में नेकेड है, 100 मारना है, टावर में मेडिसिन लगा देंगे, उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग का ब्लड का ज़्यादा हो गया तो रॉस जाएगा अस्पताल है वहाँ पर, अपने इलाज करेगा, काम नहीं करेगा, मारेंगे, फिर बोलेंगे काम करने के आना है उसको। ये स्टैंड असली है और रिप्लिका बाहर में। आज जंगल में रहते हैं, उनको बोलते हैं निग्रोटो, इनके नाम है जरवा उंगी और मानी सेंटिनली। ये टाइप को चाहिए लोहा तीर बनाने के, तो लोहा कहाँ मिलेगा, लोहा तो नहीं है, जहाँ डूबा है वहाँ से निकालेंगे, कैदी के चैन से निकालेंगे। उस शुरू शुरू में ओपन जेल था, खराब कंडीशन थी, लोग ऐसे मरते थे, 1858 की बात है, तो डेट टाइम वी कॉल काला पानी, काल डेथ पानी होते, काला पानी था उस जमाने में, गले में आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, जेल में कार्ड सिस्टम नहीं है, तो कैसे नंबर डालेंगे, लोहा गर्म करेंगे यहाँ मार देंगे, तो क्या बोलते हैं ब्रांडिंग बोलते हैं। एक कोल स्पेशल है, आपको स्पेशल क्या दिख रहा है, दो वेट लगाए, यहाँ में एक स्प्रिंग है, तो तरीका क्या है इसका, हैंडल दबा के घुमाना है, हैंडल छोड़ा यहाँ लगेगा, जो रस्सी फांसी की है बनेगी कैदी अपने हाथ से बनेंगे, फांसी में रस्सी वन टाइम यूज करते हैं, वो भी कैदी अपने हाथ से बनाएंगे, इससे एक फांसी रस्सी इससे बनेगी, ये देखिए इससे बनेगी फांसी की रस्सी, डंडे से मारना है, छिलका निकलेगा, पानी में होगा सॉफ्ट रस्सी बनेगी, मशीन असली है, 115 साल होगा मशीन को, तो रस्सी आपकी ऐसी बनेगी, देखिए रस्सी बनती जाएगी। आगे 8 घंटे घूमना है पोलू का बैलगतरा, नीचे गड्ढा है, एक डब्बा रख देंगे तो टूथ से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप तेल गिरेगा, नापेंगे शाम को कितना काम किया, उनको चाहिए पर डे 30.15 किलो, कमें मार खाना पड़ेगा। अगर इंसान का अगर स्पीड का मोर स्पीड को बढ़ाना है 40 किलो वेट डाल देंगे और 80 किलो, तो वेट से क्या होगा, एक पूरा प्रेशर आएगा, प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा, प्रेशर में कमर बैंड हो जाएगा, पेन होगा, आदमी पेन में क्या करेगा, जल्दी का, इसको बोलते हैं वेट पनिशमेंट। इस फैक्ट्री में क्या बोलते हैं, अत्याचार फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री ऑफ पनिशमेंट। अंग्रेज के दिमाग में आदमी को आराम से मरना चाहिए, तो आदमी आराम से कैसे मरेगा, रस्सी में तेल लगा देंगे, रस्सी के अंदर लोहे का रिंग डाल देंगे, रिंग लगा हुआ जिनसे क्या होगा, वो भी एक कॉट उड़ जाएगा, और एक साथ 3 लोगों को फांसी देंगे। आपने सुना होगा लाहौर में 3 लोगों को फांसी हुआ था, राजगुरु शुक्ला भगत सिंह, सेम टेक्निक, वो लीवर खींचेंगे, पट्टा ऐसा खुलेगा, 9 फीट बॉडी गिर जाएगी, जब मर जाएगा बॉडी ऊपर लाएंगे, एक पत्थर बांधेंगे, बॉडी को सी में डाल देंगे। आज अंडमान का कलकत्ता हाईकोर्ट है, पहले कलकत्ता था, जब वहाँ से फांसी का ऑर्डर आएगा, ये आखिरी के 4 कमरे हैं, इनमें जो आ गया फांसी कन्फर्म है, इनको काल कोठरी बोलते हैं, सारा कमरे एक ही साइज़ का है, 13x6, एक में एक आदमी रहेगा, हर कमरे में ताला आएगा, ताला म्यूजियम में रखा हुआ है, ताला अलीगढ़ का 7 किलो का ताला। फांसी से पहले क्या होगा, आज अंडमान का कलकत्ता हाईकोर्ट है, पहले कलकत्ता था, यहाँ फांसी का ऑर्डर आएगा, रखेंगे 15 दिन, अच्छा देंगे खाना, टाइम आएगा टावर में बेल बजेगा, या फिर पूजा पाठ होगा बिफोर हैंगिंग, सभी को नहाने की समुद्र का पानी है, तो जो मरने जा रहा है लास्ट में बल्कि कुआं का पानी, स्वीट वाटर, जहाँ गॉड गिफ्ट है, यहाँ में कुआँ है, इसलिए यहाँ पर जेल बनी है। और खास बात क्या है, जेल पहाड़ पर क्यों बनाए, सुनामी भूकंप से बचने के लिए, तो अंडमान में 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं, 1881, 1914, 2004 सुनामी है। इंडिया है तो टाइम इंडिया का रहेगा, 2 घंटा डिफरेंस है, जेल में 5 बजे कोई आदमी बाथरूम नहीं जाएगा, जेल में बाथरूम 3 बार जाना है, तो 5 बज गया तो मट्टी का पॉट देंगे, तो म्यूजियम में रखा हुआ है उसी में करो, और सुबह उठा के फेंको, जो टॉर्चर करना है तो बने सी पानी पी, जो बर्तन खाने का बना तांबा से, वो तांबा में जल्दी खाना है, कल खाएंगे हरा हो जाए, खराब हो जाएगा, इस वक्त का टॉर्चर का टेक्निक। आइए फांसी का देखेंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फांसी घर, यू कैन सी ये हो गया फांसी घर का नीचे, आपको दिख रहा है यहाँ से फांसी देता है, एंड उसका नीचे ये सो एज यू कैन सी वी आर हियर जस्ट नाउ इन दिस सेल्युलर चेयर, एंड दिस इज द करंट मैप ऑफ द सेल्युलर चेयर। उतरेंगे हम आज? नहीं, आगे उतरेंगे, वो जो प्लग पॉइंट दिख रहा है उधर। अरे वाह,
सो गाइस अभी अभी अतानु भैया आ गया है हमें रिसीव करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर देख रहे बीच। ये कौन सा बीच है भैया? मेरीना पार्क है ये, मेरीना पार्क, ओके, रोज आइलैंड सामने, सुभाष चंद्र बोस बीच, ओके, सुभाष चंद्र बोस ब्रिज, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ओके ओके ओके, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, लवली। तो दोस्तों अभी देख लीजिए, अभी हम लोग पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर का फ्लैग पॉइंट। वाव, आई कैन फील द कूल ब्यूटीफुल ब्रीज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द नेशनल ट्राइकलर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम एट पोर्ट ब्लेयर, दिस प्लेस डिक्लेयरिंग द आइलैंड्स द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सो दिस इज द प्लेस। थोड़ा ज़्यादा हवा चल रहा है इसीलिए फ्लैग को नीचे गिरा दिया है अभी तक। यू कैन, वाओ, अमेजिंग, यू कैन इवन रीड द फर्स्ट ट्राई कलर होस्टिंग इन इंडिया 1943, लवली। सो लेट्स गो थ्रू दिस। अभी मैंने आपको दिखा दिया है, यू कैन रीड, पॉज द वीडियो एंड रीड, गो थ्रू दिस। सो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर सेलुलर जेल के आगे हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरी इवनिंग आपका लाइट एंड साउंड इवेंट होता है। सो मैं यहाँ पर आ गया हूँ टू विटनेस दिस इवेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ द सेलुलर जेल, एंड दिस इवेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिंग इवेंट, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना लोग, इतना भीड़ करके बैठा हुआ है, देख लीजिए। जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम काला पानी। तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ, हर बोरे में है 25 सेब नारियल, इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर, शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे, वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती है। सबान मत लगाओ बदमाश। सजा दो, कोई छूट नहीं दो जी, छूटा पूरा कराओ जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। चमत्कार जी हुजूर, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहना, कल से इसका काना बंद जी, सिर्फ 2 का कंजी दो जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया जी,
इस वास्ते इसको एक हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो, इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। चमदार, जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी हुजूर। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी। कोठरी में काम दो। जी। और इसको बेड लगा। जी। और मारो। और मारो। नारे बोलेगा। बोल नारे। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 20 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाए। आज के लिए शायद इतना ही। एंड नाउ हम लोग होटल जाएंगे एंड थोड़ा रेस्ट करेंगे। गुड नाइट।